सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, ये आपकी लास्ट क्लास होने वाली है आप लोग के अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चंस की सीरीज में। आपके यहाँ पर पवन सीरीज के प्रश्नों को हम पढ़ रहे थे। दोस्तों, इन क्लासेस में हम आपके पवन सीरीज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है उनको हम पढ़ रहे थे, और आज की इस क्लास में ये आपका टोटल छठवां क्लास है, और छठवें क्लास में आज आपके सारे के सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। सभी के सभी अतिलघु उत्तरीय प्रश्न आपके पवन सीरीज के, राजन सीरीज ऑलरेडी पहले ही मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा उन प्रश्नों को तो आप लोग प्लीज देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 251 है, निम्नलिखित संख्यात्मक राशियों का समांतर माध्य ज्ञात करिए। तो यहाँ पर देखिए 10, 20, 18, 12, 14, 16 और 50, अथवा समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, तो जो समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर देखिए सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है, और यहाँ पर तो सिग्मा एक्स में क्या होता है, सभी राशियों का योग, इनको हम सभी को जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर यहाँ पर आप देखिए सभी संख्या का योग बटे जितनी संख्याएं हैं, तो 10, 20, 18, 12, 14, 16, 50, ये टोटल यहाँ पर देखिए 7 संख्याएं हैं, और इन सभी को जब हम जोड़ेंगे तो ये 140 आएगा। तो 140 बटा 7 बराबर 20 के, जब इसको हम काटेंगे यहाँ पे 7 दुनी 14, ठीक है। तो इस दुनिया यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमें 20 मिल जाएगा समांतर माध्य, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 252 पे आते हैं, बहुलक क्या है, उदाहरण प्रस्तुत करिए। तो यह सामग्री में चर राशि का वह मान है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, अथवा सामग्री में जो संख्या सबसे अधिक बार आती है उसे हम सामग्री का बहुलक कहते हैं। यदि हम यह कहते हैं कि किसी कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का बहुलक 35 है, तो इसका अर्थ यह है कि विद्यार्थियों की सबसे अधिक संख्या में ने 35 अंक प्राप्त किया है, अर्थात अधिकतम विद्यार्थियों के कक्षा में 35 अंक हैं। तो बहुलक का मतलब क्या होता है कि ऐसी संख्या, जैसे 20 नंबर का टेस्ट हुआ है क्लास में, 20 नंबर का टेस्ट हुआ है, उसमें से 30 बच्चों ने इस टेस्ट को दिया है, 20 नंबर के टेस्ट को, तो इसमें मैक्सिमम ऐसे बच्चे हैं जिनका 12 नंबर आ रहा है, फिर 13 नंबर आ रहा है, फिर 12 नंबर पाए हैं, फिर 13 नंबर पाए हैं, फिर 14 पाए हैं, फिर 15 पाए हैं, फिर 12 पाए हैं, फिर 16 पाए हैं, फिर 15 पाए हैं, फिर 12 पाए। तो आप देखोगे जो 12 नंबर है ये बार बार आ रहा है, यानी कि जो 12 नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 20 नंबर में वो ज्यादा है, तो इसीलिए इसको हम क्या कह देंगे, बहुलक कह देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से भी समझाया है, पहले हम समझ लेते हैं। तो निम्नलिखित आंकड़ों का भूयिष्ठिक या बहुलक ज्ञात करिए। तो 9, 14, 10, 7, 11, 12, 11, 13, 11, तो साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है कि जो 11 संख्या है ये 3 बार आई है, इसीलिए यहाँ पर 11 क्या हो जाएगा, बहुलक या भूयिष्ठक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 253 पे आते हैं, कच्चा माल किसे कहा जाता है। तो प्रकृति, खेतों या भूमि के अंदर से प्राप्त होने वाली वस्तुएं कच्चा माल कहलाती हैं। कारखाने में या यंत्र द्वारा जब उसका प्रारूप परिवर्तित हो जाता है तो वह तैयार या निर्मित माल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 254 है, इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों, ये सदस्यों की संख्या टोटल 12 से 16 थी। क्वेश्चन नंबर 255 पे आते हैं, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था। तो 1904 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 256 पे आते हैं, नव जागरण का क्या अर्थ है। तो धर्म तथा समाज से संबंधित पुरानी परंपराओं एवं मान्यताओं में परिवर्तन लाने के लिए ही प्रयास करना ही क्या है, नव जागरण है। क्वेश्चन नंबर 257 है, उदार या नरम दल से आप क्या समझते हैं। तो कांग्रेस के वे नेता जो शांतिपूर्ण तथा वैधानिक ढंग से देश की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते थे वे उदारवादी नेता कहलाते थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 258 है, आगे बढ़ो हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, निम्नलिखित नारा किसने दिया था। तो भिकाजी कामा ने। क्वेश्चन नंबर 259 है, भारत का पहला तिरंगा झंडा किसने बनाया था। तो वीर सावरकर ने। क्वेश्चन नंबर 260 है, डांडी यात्रा किसने की थी। तो महात्मा गांधी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 261 पे आते हैं, उन दो सशस्त्र क्रांतिकारियों के नाम लिखो जिन्हें फांसी दी गई थी। तो सरदार भगत सिंह और राजगुरु। क्वेश्चन नंबर
262 पे आते हैं, सीमांत गांधी कौन थे? तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। तो सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुविकल्पी प्रश्नों में भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 263 है, पूना पैक्ट किन लोगों के मध्य हुआ था? तो पूना पैक्ट गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। क्वेश्चन नंबर 264 पे आते हैं, मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार एक्ट किस सन में बना था? तो मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार एक्ट सन 1919 में बना था। क्वेश्चन नंबर 265 पे आते हैं, महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 266 पे आते हैं, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए भारत ने किस नीति का समर्थन किया था? तो गुट निरपेक्षता की नीति का समर्थन किया था भारत ने। क्वेश्चन नंबर 267 पे आते हैं, विश्व के दो प्रमुख गुट कौन कौन से हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, यानी कि अमेरिका और रूस। क्वेश्चन नंबर 268 है, पंचशील के पहले सिद्धांत का वर्णन करिए। तो एक दूसरे राज्य की सीमा एवं उसकी प्रभुसत्ता का सम्मान किया जाए, ये सबसे पहला सिद्धांत है पंचशील का। क्वेश्चन नंबर 269 पे आते हैं, दक्षेस में सम्मिलित होने वाले देशों के नाम बताइए। तो दक्षेस के अंतर्गत नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश आते हैं। क्वेश्चन नंबर 270 पे आते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 271 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य कौन कौन से देश हैं? तो चीन है, फ्रांस है, रूस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है और ग्रेट ब्रिटेन है। ये पांच जो है ये स्थायी सदस्य हैं और इनका नाम याद रखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 272 पे आते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के नाम लिखिए। तो महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संरक्षण परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। क्वेश्चन नंबर 273 है, भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है? तो पांच प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 274 है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है। क्वेश्चन नंबर 275 है, समताप तथा समदाब रेखा किसे किन्हें कहते हैं? तो समान तापक्रम वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को समताप रेखा कहते हैं और समान वायुदाब वाले स्थलों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को हम समदाब रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 276 पे आते हैं, खनिज कितने प्रकार के होते हैं? तो खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। क्वेश्चन नंबर 277 पे आते हैं, लौह अयस्क किसे कहते हैं? तो खदानों से प्राप्त लोहे को लौह अयस्क कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 278 है, खान किसे कहते हैं? तो जिन स्थानों से खनिज प्राप्त किया जाता है उन्हें हम खान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 279 है, भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? तो मैग्नीज है। क्वेश्चन नंबर 280 है, काला सोना किसे कहते हैं? तो कोयले को हम काला सोना कहते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 281 है, शक्ति के साधन किन्हें कहते हैं? तो जिन साधनों का प्रयोग हम मशीनों को चलाने, यातायात के साधनों को गति देने, कृषि को यांत्रिक बनाने तथा घरेलू कार्यों के लिए करते हैं, उन्हें हम शक्ति के साधन कहते हैं। जैसे कि ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर ने खेती को बहुत आसान बना दिया है, विभिन्न प्रकार के हलों का प्रयोग करके, विभिन्न प्रकार के यंत्रों का प्रयोग करके आसानी से खेत को हम फसलों के योग्य बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 282 पे आते हैं, अभ्रक कितने प्रकार का? तो अभ्रक जो होता है वो चार प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 283 है, नमक कहाँ से प्राप्त होता है? तो नमक समुद्र तट से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 284 है, मानवाधिकार क्या है? मानवाधिकार मनुष्य के वे अधिकार है जो उनकी स्वतंत्रता की रक्षा तथा सभी व्यक्तियों के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिए परम आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 285 है, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो ये 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गठित किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 286 है, यंग इंडिया नामक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला जाता था? तो यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे गांधी जी द्वारा प्रकाशित किया जाता था और ये पत्रिका अंग्रेजी में निकलती थी। 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 287 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक मान्यताएं भाषाएं कौन कौन सी है? तो फ्रांसीसी है और अंग्रेजी है। क्वेश्चन नंबर 288 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
क्वेश्चन नंबर 289 है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है दोनों सदनों का एक साथ सत्रावसान। क्वेश्चन नंबर 290 है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियों के लोग रहते हैं? तो देखिए, अगरिया, बेगा, भुइया, पटारी, परहरिया, चेरो, बुक्शा, खरवार, पंखी, पनिका, जौनसारी, थारू, घोटिया, गोंड, धुरिया, नायक, पठारी, राजगोंड आदि जनजातियां रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 291 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो ललितपुर जिले में यूरेनियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 292 है, वनोन्मूलन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? वनोन्मूलन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि अगर हम वनों को काट देंगे, जंगलों को काट देंगे, तो इससे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वनोन्मूलन जारी और जलवायु और भूगोल में परिवर्तन ला रहा है, वनोन्मूलन ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है और हरित गृह प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख कारक है। उष्णकटिबंधीय वनोन्मूलन दुनिया की 20% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 193 है, भारत का राज्य चिन्ह अशोक स्तंभ यानी कि सिंह स्तंभ कहाँ से अनुकृत किया गया है? तो अशोक स्तंभ जो है ये लिया गया है सारनाथ में मिली अशोक की लाट से, सारनाथ में मिली अशोक की लाट से लिया गया है हमारे देश का राजकीय प्रतीक या भारत का राजकीय प्रतीक। क्वेश्चन नंबर 294 है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, तो पक्षी सभी को पता है सारस है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प सभी को पता है क्या है? पलाश है। क्वेश्चन नंबर 296 है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो अशोक है, क्वेश्चन नंबर 296। और क्वेश्चन नंबर 297 है, चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? प्रथम। और यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 295 है, उत्तर प्रदेश में का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो पलाश है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प। क्वेश्चन नंबर 298 है, सूती वस्त्र उद्योग में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो तृतीय स्थान है। क्वेश्चन नंबर 299 है, उत्तर प्रदेश के किसी शहर में सूती वस्त्रों की सर्वाधिक मिले हैं? किस शहर में? तो कानपुर में। क्वेश्चन नंबर 300, ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो कानपुर, लाल इमली मिल। क्वेश्चन नंबर 301 है, उत्तर प्रदेश में रेशम वस्त्र के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? तो वाराणसी, कानपुर, इटावा एवं मोदीनगर। क्वेश्चन नंबर 302 है, उत्तर प्रदेश में कांच का उद्योग केंद्र कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश में कांच के उद्योग की बात करें तो फिरोजाबाद सबसे पहले नंबर पर, बहजोई, नैनी, इलाहाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, बालावली, सासनी, सिकोहाबाद तथा हाथरस। फिरोजाबाद विश्व प्रसिद्ध चूड़ियों का निर्माण केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 303 है, एल्यूमिनियम उद्योग का केंद्र कौन सा है? सोनभद्र जिले का रेणुकूट। क्वेश्चन नंबर 304 है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों की लंबाई को घटते हुए क्रम में लिखिए। तो देखिए, सिंधु नदी की लंबाई 3180 किलोमीटर है, फिर गंगा नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, फिर यमुना नदी है जिसकी लंबाई 1360 किलोमीटर है, फिर करनाली या घाघरा नदी है जिसकी लंबाई 1080 किलोमीटर है, फिर चंबल की नदी जो कि 960 किलोमीटर लंबी है, फिर गोमती नदी की लंबाई 900 किलोमीटर और रामगंगा नदी की लंबाई 690 किलोमीटर, राप्ती नदी की लंबाई 600 किलोमीटर और बेतवा नदी की लंबाई 590 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 305 है, भूस्खलन का क्या तात्पर्य है? भूस्खलन एक भूवैज्ञानिक घटना है, धरातली हलचलों जैसे कि पत्थर खिसकना या गिरना, पथरीली मिट्टी का बहाव इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। भूस्खलन कई प्रकार के हो सकते हैं, इसमें चट्टान के छोटे छोटे पत्थरों के गिरने से लेकर बहुत अधिक मात्रा में चट्टान और मिट्टी का बहाव शामिल हो सकता है तथा इसका विस्तार कई किलोमीटर की दूरी तक होता है। भारी वर्षा तथा बाढ़ या भूकंप के आने से भूस्खलन हो सकता है, मानव गतिविधियों जैसे पेड़ों और वनस्पतियों के हटाने, सड़क किनारे खड़ी चट्टान के काटने या पानी के पाइपों में रिसाव से भी भूस्खलन हो सकता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख दो विद्युत परियोजनाओं के नाम लिखिए, तो पहला है बक्सर पावर प्रोजेक्ट और दूसरा है तृप्ति पावर प्रोजेक्ट। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए, अब आपके लघु उत्तरी प्रश्न स्टार्ट है, तो सारे के सारे अति लघु उत्तरी प्रश्नों को आपने पढ़ लिया। अगर आपको 8 के 8ों सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए हमारे हाथों से लिखे हुए, तो उसके लिए आपको हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, या तो आप सिंपली इस नंबर पर कांटेक्ट करके हमसे सारी जानकारी ले लीजिए और जहाँ कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमसे पूछिए।
थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल से बने रहिए और ढेर सारी क्लासेस आपके लिए लेकर के आते रहेंगे और आपकी जो तैयारी है उसको बेहतर बनाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।